हाय एवरीवन, आज हम लोग सूजी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी सा एक नाश्ता बनाने वाले हैं, जिसको आप बिना तेल के बना सकते हैं, चाहे तो एक चम्मच तेल में भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीके इस वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ में। तो ये नाश्ता बनाने के लिए हमने लिया है एक कप जितना सूजी। तो इस ये जो नाश्ता है, इसके लिए हमें बारीक वाली सूजी की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास जो सूजी है वो थोड़ी सी मोटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार लेंगे और उस जार में हमारी सूजी को डाल करके एक बार इसको घुमा लेंगे मिक्सी में, जिससे कि थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। आपको अलग से बारीक सूजी खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने सूजी को बारीक पीस लिया है और ये देखिए इस तरीके की हल्की सी दरदरी हमारी हो गई है। बिल्कुल फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है, हल्का सा इसको दरदरा रखना है। अब यहाँ पर हमारी एक कप सूजी थी, तो उसमें हम लेंगे एक कप जितना बटर मिल्क, यानी कि छाछ। आप चाहें तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप आधा कप दही ले लें या फिर आप एक कप सूजी ले लें। दही अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा सूजी को घोलते टाइम। तो यहाँ पर हमने सूजी को अच्छे से घोल लिया, बिल्कुल भी लम्स इसमें नहीं है। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा चीनी। अगर आपको चीनी पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, चीनी नहीं डालना चाहते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इससे टेस्ट भी आएगा, साथ में थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो अगर आपको अच्छा कलर नहीं चाहिए, येलो कलर पसंद नहीं है, तो आप व्हाइट कलर का भी बना सकते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम कर देंगे बढ़िया से मिक्स, बिल्कुल भी लम्स ना हो जिससे। और अब इसको हम ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सूजी हमारी फूलकर सेट हो जाएगी। तो आपको जब नाश्ता बनाना हो पहले भिगो करके रख दें सूजी। अब यहाँ पर देखिए, जब तक हमारा सूजी फूल रही है, हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खट्टेपन के लिए लिया है मैंने यहाँ पर कैरी। जो मेरी कैरी है वो थोड़ी ज़्यादा पक गई है, इसलिए इसका कलर येलो हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमने कैरी का इस्तेमाल किया है। कैरी की जगह खटाई के लिए आप नींबू का रस, विनेगर या फिर आधे टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही में लिया है थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ी सी हमने धनिया लिया है। इन सभी चीज़ों को मिक्सी में डाल करके पानी के साथ में पीस कर एक चटनी जैसी हमें बनाकर तैयार करनी है। यहाँ देखिए, हमने इस तरीके की एक चटनी बना करके तैयार कर ली है। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको भी चाहिए, तो इसको आप नाश्ते को चटनी के रूप में खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम नाश्ता बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए, हमारी जो सूजी थी वो अच्छे से फूल करके सेट हो चुकी है। उस टाइम किस तरह की लग रही है, तो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है हमारी सूजी। अब ये जो हमारी सूजी है, इसको हमें दो बराबर पोर्शन में बांटना है और थोड़ी सी सूजी को अलग रखना है, यानी कि दो इक्वल पोर्शन होने चाहिए और एक पोर्शन में थोड़ी सी कम सूजी होनी चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से मैं इसको इक्वल कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से ध्यान से देखिएगा और उस तरीके से कर लीजिएगा। तो मैंने एक एक चम्मच दोनों बोल में डाला है और फिर एक चम्मच लेकर के आधा इसमें डाल दिया, आधा उसमें डाल दिया, यानी कि डेढ़ डेढ़ चम्मच हमने दोनों बोल में डाल दिया और थोड़ा सा मिक्सर हमने अलग से रख लिया है। तीन जगह हमने बैटर को निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं तीन कटोरियाँ। तीनों कटोरियों को हम ऑयल से काफ़ी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैं इस नाश्ते को बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जिससे घर पर जिसके कोई भी इडली स्टैंड ना हो, ढोकला स्टैंड ना हो, तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बना सकते हैं, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं आएगी। इसके बाद में यहाँ देखिए, हमने तीनों कटोरियों को अच्छे से ग्रीस करके ले लिया है। साथ ही में यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, ऊपर से हमने एक स्टैंड लगा दिया है। आप चाहे तो स्टैंड ना लगाएं, डायरेक्ट कटोरियाँ इसके अंदर भी रखी जा सकती हैं, या फिर इस तरह से स्टैंड हो तो वो लगा लें, गैस का बर्नर हो तो वो भी लगाया जा सकता है। पानी को गर्म होने देते हैं और हमारा जो पहला बोल है, यानी कि फर्स्ट पोर्शन है, वो हमने ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इनो पाउडर, क्योंकि हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, इसलिए हम इनो पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप हल्दी पाउडर इसमें ऐड मत कीजिएगा, व्हाइट ही आपको सुरखना होगा, या फिर आप येलो फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इनो पाउडर डाल करके उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और उसको एक्टिवेट करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको इनो तभी डालना है जब आपका पानी अच्छे से गर्म हो गया हो, और एक बार में एक ही पोर्शन में आपको इनो डालना है, तीनों में एक साथ नहीं डालना है। अब यहाँ पर हम तीनों कटोरियों में इक्वल पोर्शन में डालेंगे, तो दो दो चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं तीनों में, जितना फिर एक्स्ट्रा होगा उसके हिसाब से हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि तीनों कटोरी में हमें इक्वल ही रखना है। तो मेरा 2-2 टेबल स्पून ही हुआ है दोनों में, तीनों कटोरियों में, तो तीनों में हम बराबर ही रखेंगे। हल्का सा इसको हाथों से टैप कर देते हैं, जिससे कि एयर जो बबल्स जो होंगे वो निकल जाएंगे, और इस तरीके से स्टैंड के ऊपर इनको लगा देंगे। अगर स्टैंड आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पानी के अंदर भी रख सकते हैं, अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर इसको हम किसी भी थाली वगैरह से ढक देते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें इनको स्टीम करना होगा, और जब तक स्टीम हो रहा है तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे कम वाला पोर्शन है, सेकेंड पोर्शन में हमने इक्वल लिया था, फर्स्ट और सेकेंड इक्वल है, और जो थर्ड वाला पोर्शन है वो बहुत कम है, उसमें हम डालेंगे जो हमने अपनी चटनी प्रिपेयर की थी ना, हरे धनिया वाली, बस वो वाली चटनी इसमें हमें ऐड करनी है। तो लगभग 3 बड़े चम्मच हमने इसमें चटनी ऐड की है, 2 बड़े चम्मच हमने अभी डाल दी है और 1 चम्मच हम अभी और डालेंगे इसका, जिससे कि काफ़ी अच्छा सा ग्रीन सा कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही में इसमें आपको थोड़ा सा इनो पाउडर भी डाला है। मैंने जब इनो पाउडर डाला था तो उसकी क्लिप इसमें से निकल गई है, तो आप इसमें भी इनो पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो फिर आपका जो आप नाश्ता बनाएंगे वो स्पॉन्जी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें इनो डाल दें और इनो पाउडर डालने के बाद में आप थाली को हटा दें, फ्लेम को आप लो कर दें यहाँ पर इस टाइम पर,
और जो हमारा अभी चटनी वाला बैटर हमने तैयार किया है उस बैटर में से 1-1 टेबल स्पून जितना तीनों ही नाश्ते के ऊपर हमें लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से, दो दो चम्मच हमें नहीं लगाना है, एक एक चम्मच ही लगाना है, क्योंकि जो बीच वाला पार्ट है वो हमें थोड़ा छोटा रखना है और ऊपर नीचे का पार्ट होगा उसे हमें बड़ा रखना है। तो जिस तरीके से मैं इसको सेट कर रही हूँ, आपको कढ़ाई के अंदर ही इसको स्पून से फैला देना है, चारों तरफ पतली सी एक लेयर लगानी है। तीनों कटोरों पे हमने लेयर लगा दी है। अब इसको ढक करके हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टीम करना होगा, क्योंकि बहुत ही पतली सी लेयर है ना, बहुत जल्दी बन जाएगी। एक ही साथ में आप बहुत सारा नाश्ता भी बना सकते हैं। ये देखिए 1 मिनट के बाद में हमारी ये अच्छे से सेट होकर के तैयार हो गई है। लगभग 1 से 2 मिनट इसको लगेंगे। थाली हमने हटा दिया है, गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, और अब हमारा जो सेकंड वाला पोर्शन था उसको हमने लिया है। उसमें फिर से हम इनो पाउडर डालेंगे। आपको जब इस्तेमाल करना है तभी आपको इनो डालना है। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डाल करके इसको बढ़िया से हम लोग कर देंगे मिक्स। ये देखिए इस तरीके से। और अब इसका भी हमें 2-2 टेबल स्पून तीनों कटोरियों में ऐड करना है, और चारों तरफ स्पून की सहायता से फैला देना है। जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ इसी तरीके से आपको भी फैला देना है तीनों ही कटोरियों में, और कढ़ाई के अंदर ही रखना है। फ्लेम को आप थोड़ा सा लो कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि हाथों में बहुत ज्यादा हीट लगेगी। तीनों कटोरे पे हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसको फिर से ढक देंगे और ढककर के लगभग 4 से 5 मिनट के लिए फिर से इसको स्टीम करेंगे। बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है। और 5 मिनट के बाद में देखिए बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं, और इसको आप स्टीम करने के बाद में चेक भी कर सकते हैं। टूथपिक से अंदर तक आप टूथपिक डालिए और देखिए अच्छे से क्लीन है, यानी कि अंदर तक हमारा अच्छे से पक चुका है नाश्ता। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये ठंडा हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इसका तड़का बना रही हूँ, आप चाहें तो तड़का डालें, नहीं तो आप ऐसे भी बना भी इसको खा सकते हैं। तो एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, तो अगर आप चाहें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, आप चाहें तो एक छोटा चम्मच तेल में बना लें या फिर बिना तेल के भी बना सकते हैं। तेल गर्म होते ही थोड़ा सा राई, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा हमने करी पत्ते इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पर हमारा नाश्ता अच्छे से ठंडा हो गया है, तो पहले नाइफ डाल करके इसके साइड्स को हम रिलीज कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से बन जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा नाश्ता आपको तभी निकालना है जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बनाया, और इसको हम पलट देंगे, हल्का सा टैप करेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया से हमारा नाश्ता निकल चुका है, और कितना जालीदार लग रहा है आपको ऊपर से ही दिख रहा होगा कितना जालीदार बनाया। तो बस सेम इसी तरीके से हम तीनों नाश्ता पहले निकाल कर तैयार कर लेते हैं, और आप इसको डायरेक्ट इसी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे भी। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है हमारा नाश्ता, जबकि हमने कोई फर्मेंटेशन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, बस 5-7 मिनट के लिए हमने सूजी को भिगोया था, और ये देखिए हमारा नाश्ता कितना बढ़िया बना है। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम तड़का, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो तड़का लगाएं, नहीं तो आप ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे भी। चाहे तो हल्का सा तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक छोटा चम्मच ही ऑयल लिया है, ज्यादा ऑयल नहीं लिया है, और उसी में हमने पूरा नाश्ता हमारा बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और सजावट करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और इसमें सुंदर भी लगेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ करी पत्ते वगैरह इस तरह से सेट कर दिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। और आप चाहें तो इस पर जो पानी वाला तड़का होता है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको वो वाला तड़का पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी हल्का सा तड़का इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ले ली है, यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के अंदर में थोड़ा सा चाट मसाला मिला लिया है। दोनों चीजों को मिक्स करके हम इस तरीके से इसके ऊपर ये डेकोरेशन कर रहे हैं, जिससे कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा, इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हम इस तरीके से बना रहे हैं, आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गेस्ट आ रहा है, गेस्ट के लिए अगर आप सर्व कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से सर्व कीजिएगा, वो भी देखकर खुश हो जाएंगे कि कितना बढ़िया नाश्ता हमारे लिए बनाकर तैयार किया है। तो आप इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक में कैसे भी बना करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, और आपको इसके अलावा कौन सी रेसिपी चाहिए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।